हेलो गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे ये वाले व्लॉग में। तो थंबनेल देखकर तो आप लोगों को समझ ही गया होगा कि हम पहुंच चुके हैं लक्षद्वीप में। अभी आधे या एक घंटे बाद हमारी यहाँ से टेंडर बोट जाएगी। मैं फटाफट से सुबह ही उठकर हो चुकी हूँ रेडी। आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ और ये है हमारा बीच वाला आउटफिट। लेकिन समुद्र में जाने के लिए मैंने दूसरे कपड़े लाए। ऑब्वियसली इसमें मैं समुद्र में जाके ये वाला आउटफिट खराब नहीं करने वाली हूँ। अब हम हो चुके हैं तैयार, चलते हैं नाश्ता करते हैं, वरना कल के जैसे ना मेरा नाश्ता भी छूट जाएगा और एकदम घाई गड़बड़ी हो जाएगी। कलर में किसका आई गेस कोकम का ये जूस। वेलकम ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमें यहाँ पर आने के बाद बीच पे बिल्कुल भी कचरा नहीं करना है। लेट मी रिमाइंड यू दैट आप जो भी खाने के लिए लेते हो वो वेस्ट डस्टबिन में ज़रूर डालना। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं अगाती आइलैंड, जो मेन आइलैंड है ऑफ लक्षद्वीप, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एकदम वाइट सैंड बीच है। चलने में पैर पूरे रहती हूँ, मैं दस रहे हैं। द बीचेज आर सो क्लीन, बहुत ही ज़्यादा, और पानी एकदम ब्लू है। एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी है, वो है ये सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पानी से आओगे यहाँ पर और आपको धूप में बैठना पड़ेगा। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली की गई है जहाँ पर आप बैठ कर इंजॉय कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है। हम दो नारियल पानी पीने वाले हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा है, पता है। नारियल पानी पी कर हो गया, थोड़ा सा रेस्ट कर हो गया, एंड अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पता है क्या मैं क्या कर रही हूँ, 10-10 मिनट का शूट करके 10-10 मिनट का रेस्ट ले रही हूँ, ताकि मेरी जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा डल भी ना लगे, ऑयली भी ना लगे, और एकदम टैन टैन भी ना पता चले। इसीलिए तो अभी हमारे सारे शूट हो चुके हैं कंप्लीट। मतलब जो भी मुझे स्लो मोशंस लेने थे या छुटपुट जो भी मेरा होता है यार, फोटोज़ वगैरह, वो सब लेके मेरा हो चुका है। और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा कर ही देते हैं यार बॉडी को टैन। वरना बीच है और यार तुम टैन नहीं हुए तो क्या ही मतलब है ना बीच आने का। और ऐसा बोल के मैं कुछ ज़्यादा ही टैन कर लूँगी खुद को, फिर घर जाने के बाद रोने वाली हूँ। या तो कुछ ना कुछ नुस्खे अपनाऊँगी कि कोई तो है को यार रिमूव करने का टैन। एनीवे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पका दिया है मैंने। आप लोग एक काम करो, समुद्र को देखो। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मेरा जो एक्सकर्शन वाला पैकेज है ना लक्षद्वीप में, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। मतलब मैंने जो एक्सकर्शन लिया है उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ बीच पर आई कैन चिल ऐसा वाला है, बट बाकी के और तीन एक्सकर्शंस भी थे जिसमें कुछ ग्लास बोट राइड काइंड ऑफ था, स्नॉर्कलिंग थी, स्कूबा डाइविंग थी। बहुत सारे लोग गए भी है अभी स्कूबा डाइविंग को। एंड ऑल्सो यहाँ पर लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं। इतने दूर से तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर जो छोटी छोटी बोट्स दिख रही है ना, वहाँ पर लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं। और मुझे बड़ा मन कर रहा है पानी में जाने का, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है कि अगर मैं गलती से भी अभी पानी में गई तो मैं ना एक ऐसी लड़की हूँ, अगर मैं एक बार पानी में चली गई तो मैं बाहर आने को देखती नहीं हूँ बिल्कुल। और फिर अगर मैं बाहर आऊँगी ना तो मुझे किचकिच होता है कि चेंज करना है, फिर बाल भी गीले हो जाते हैं, फिर तुम भी गीले हो जाते हो, फिर चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार हम बीच को दूर से ही देख के इंजॉय करने वाले हैं। फिर से मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई। पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि लक्षद्वीप में सिर्फ और सिर्फ BSNL चलता है, लेकिन यहाँ पर एयरटेल के फुल नेटवर्क्स है, 5G में चल रहा है। मैं यहाँ पे इंटरनेट स्क्रोल ही कर रही हूँ, देख ही रही हूँ, और स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, BSNL और एयरटेल दोनों सिम्स काफ़ी अच्छी चलती है यहाँ। अब हम मम्मी को करने वाले हैं वीडियो कॉल। समुद्र दिखाती हूँ 2 मिनट। हाँ कैसा लगा? हाँ सब लोग घूमने गए हैं। यहाँ पे नेटवर्क है ना इसका, एयरटेल का नेटवर्क है। बाबू को भी कॉल किया और तुमको भी कॉल किया, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? कान के गले का। हाँ, मम्मी बोल रही है मेरे ज्वेलरीज काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ यहाँ पे DIY है, एक शॉप है वहाँ से खरीदा है, और भी खरीदी हूँ, बहुत सारे खरीदी हूँ, बहुत 8-10 तो खरीदी चु आराम से। 2 मिनट में ये एक बात बता, मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नीचे कौड़ी लगी है क्या? कौड़ी, हाँ कौड़ी लगी है नीचे। अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है ना? मम्मी को भी हमारा आउटफिट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है।
चलो फिर मम्मी को भी हमने वीडियो कॉल कर दिया है और अब 1:30 बज गया है। वैसे भी मुझे पानी में तो जाना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इससे अच्छा हम वापस से क्रूज़ पर जाते हैं, चेंज वगैरह करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और उसके बाद लंच करते हैं अपना। यहाँ पर ये जो 4-व्हीलर्स आप लोग देख रहे हो ना, इसमें बैठ कर हमें जाना है हमारे टेंडर बोट के पास। तो वो रही कॉरिडिलिया और अभी टेंडर बोट्स आने के हैं, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना छोटी छोटी फिशेस है बहुत सारी, वो अभी मुझे मेरे आँखों से दिख रही है, कैमरा में इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार ये। एक्सकर्शन से आने के बाद पता है क्या, मैंने डायरेक्टली खाना खाया और मैंने वो इतना ज़्यादा शूट भी नहीं किया, इतना ज़्यादा क्या यार शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड हो गई थी। लक्षद्वीप पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा था और उमस भी हो गई थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी हो गया था, तो मैं ऐसे चिड़चिड़ हो रहा था मुझे, तो मैंने सारी चीज़ें साइड में रख दी, फ़ोन गोप्रो सब कुछ। मैंने बोला अभी शूट मैं बाद में करूँगी, जब मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी। तो मैं आ गई थी लंच करके, उसके बाद मैं थोड़ा सा 2-3 घंटा सोई हूँ और अभी आई गेस टाइम हो रहा है 8 या 8:30 बज रहा है, तो अभी मैं डायरेक्टली डिनर करने जा रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा डेक 10 पे वॉक करेंगे। तो चलो लेट्स गो फॉर आर डिनर। चलो फिर देखते हैं कि आज डिनर में क्या क्या है। हम लेने वाले हैं नवरत्न बिरयानी। नवरत्न बिरयानी क्या होता है यार? तो आज का जो डिनर का थीम है वो है थाई थीम नाइट, और उसमें मुझे ये स्प्रिंग रोल्स मिले हैं। ये मैं पहली बार खा रही हूँ, खाके बताती हूँ कैसा लग रहा है। के अंदर पत्ता वो भी है, आई गेस कॉर्न भी है। ये ना मोमोज जैसा लग रहा है। हाँ मोमोज जैसा लग रहा है। खाना खा के मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अभी मैं डायरेक्टली सोने जा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी एंडिंग को। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा हम इंडियंस का लक्षद्वीप अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन लक्षद्वीप आया है और कौन कौन लक्षद्वीप आना चाहता है फ्रॉम कॉर्डिलिया या बाय कॉर्डिलिया क्रूजेस, कमेंट कर बताना। और सब्सक्राइब किया बगैर बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से हमारे अगले वीडियो में।